जय माता जी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि के मंथली राशि फल की, यानी मार्च में मीन राशि कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अभी मार्च के महीने में चार पांच ग्रहों में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मार्च को होगा, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन 7 मार्च को होगा, मंगल का राशि परिवर्तन 15 मार्च को है। इसी प्रकार से जो शनि देव है वो अस्त चल रहे हैं, वो उदय होंगे 21 मार्च को। तो कुल मिला के देखा जाए तो मार्च का महीना बड़ा इम्पॉर्टेंट महीना मीन राशि के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और पॉइंट टू पॉइंट मित्रों चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य मार्च के अंदर मीन राशि वालों का अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रहेगा। लग्नगत राहु हैं जो अच्छा भी रिजल्ट देंगे और बुरा भी रिजल्ट देंगे। एक जगह पे मार्च में आपके धर्म कर्म में रुचि बढ़ जाएगी, काफ़ी पूजा पाठ करेंगे, कई मंत्र जाप करेंगे, साथ ही साथ वहीं पर आपके पैरों में या तो चोट लगेगी या पैरों में दर्द की परेशानियां आपको मार्च भर रहेगी। तो कुल मिला के हेल्थ में पेन की, बॉडी पेन की, शरीर पेन की मार्च में मीन राशि को प्रॉब्लम रह सकती है। लेकिन धार्मिक कार्यों में राहु भी आपको नहीं रोक सकता, यानी कि धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि, पूजा पाठ में रुचि, दान धर्म में रुचि, कोई भी ग्रह आपको वो काम करने से रोक नहीं पाएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में मंगल है आपके स्वामी, मंगल लाभ भाव में, शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हैं जो कि मार्च में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। और ये जो लक्ष्मी नारायण योग है वो तीन बड़े लाभ मीन राशि को दे सकते हैं। पहला बड़ा लाभ मार्च में मिलेगा, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलेगा या कोई स्कीम में आपको कुछ फ़ायदा होगा, किसी लकी ड्रॉ में आपको मार्च में फ़ायदा होगा। अगर आपके शहर में कोई लकी ड्रॉ है तो उसमें आप सरकार द्वारा नियंत्रण संचालन लकी ड्रॉ में अगर आप ड्रॉ भरते हैं तो आपको लाभ होगा। दूसरे देखा जाए तो एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग है, पार्ट टाइम इनकम के योग भी मार्च में अच्छे खासे बन रहे हैं। तीसरा, किसी वस्तु को बेचने से, खरीदने से आपको कोई ना कोई प्रॉफिट होगा। तो धन का फ्लो मार्च के अंदर मीन राशि का अच्छा है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में सूर्य, शनि और बुध की युति का प्रभाव है भाई, यानी कि मार्च का महीना परिवार के लिए, खासकर माता पिता के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ के इशू रहेंगे, डॉक्टर के पास उनको ले जाना पड़ेगा, टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो कुल मिला के वैसे परिवार भाव ठीक है लेकिन माता पिता की हेल्थ के इशू रह सकते हैं। इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं संतान के बारे में, यानी मीन राशि की जिनकी संतान है, चाहे आपकी छोटी संतान है चाहे आपकी बड़ी संतान है, तो मार्च का महीना संतान की विद्या के लिए, उनके करियर के लिए, उनके एक्टिविटी के लिए नॉर्मल महीना, जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन देखा जाए तो बड़ी संतान, जो 18 प्लस संतान है, उनका मार्च के महीने में नदी, समुद्र, मित्रों के साथ में दूसरे शहर की यात्रा, हिल स्टेशन की यात्रा के योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के बड़ी संतान पर इसका प्रभाव रहेगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की, जो मीन राशि के हैं। तो मार्च में दो बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आने वाले हैं। पहला, आपके लुक्स में बदलाव होगा, यानी विद्यार्थी कुछ लोग रंग कराएंगे, कुछ बाल कटाएंगे, कुछ दाढ़ी बढ़ाएंगे, यानी कि आपके लुक्स में परिवर्तन आएगा। आप योगा, जिम, एरोबिक करने वाले हैं, साथ ही साथ खान पीन में, डाइट में आप अच्छा खासा बदलाव करेंगे, यानी कि फिजिकली बदलाव मार्च में आएगा। करियर नॉर्मल है, विद्या नॉर्मल है। अब बात करते हैं मीन राशि के वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं उनका ये महीना दो भागों में बढ़ता है। जी हाँ, दो भागों में, 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक सूर्य, बुध और शनि की युति के कारण काम में गड़बड़ी पैदा होगी। साथ ही साथ आपसे प्रोजेक्ट लिया जा सकता है, बॉस की डांट आपको मिल सकती है, काम में प्रेशर रहेगा। तो 14 मार्च तक काम में ज़्यादातर असफलता रहेगी। सेल्स करने की आप कोशिश करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं असफल नजर आएंगे। 15 तारीख से और 31 मार्च के बीच में आपकी अच्छी सेल होगी, बॉस भी आपके काम की तारीफ करेंगे, क्योंकि ये जो युति है ये खंडित हो जाएगी 14 तारीख के बाद, तब आपकी अच्छी सेल होगी, काम में भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो नौकरी में, करियर में 15 दिन अच्छे हैं, 15 दिन खराब हैं।
अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में चाहे आप प्रेमी प्रेमिका यानी लव कपल हो या पति पत्नी, कहीं ना कहीं आपका मार्च का महीना दो भागों में बटेगा। एक तारीख से 14 मार्च तक देखा जाए तो सूर्य शनि और बुध की युति के कारण आप पार्टनर में और आप में आपस में वाद विवाद रहेगा। कुछ दिनों के लिए आप दोनों अलग भी रह सकते हैं, कुछ दिनों के लिए ऐसा नाराजगी रहेगी कि पार्टनर आपसे बात नहीं करेगा। यानी कि 15 मार्च तक चाहे पति पत्नी हो प्रेमी प्रेमिका हो भाई, आप दोनों में वाद विवाद बढ़ सकता है। 15 मार्च से लेकर 31 मार्च में ये सूर्य शनि की युति टूट जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में के नेचर में काफ़ी बदलाव आएगा। आपकी बात पहले जो सुन नहीं रहा था वो बैठ के सुनने लगेगा, साथ ही साथ बैठ कर समस्या का समाधान भी निकालने की आप कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के जो आपके दाम्पत्य जीवन में जो समस्या आएगी मार्च में, उसका समाधान 15 मार्च के बाद निकलेगा। अब बात करते हैं मीन राशि वाले उनकी, जो अपना दुकान चलाते हैं, जो अपनी फैक्ट्री शोरूम चलाते हैं, यानी व्यापारियों के बारे में। तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में एक तो व्यापार कार्यस्थल में आपकी पूजा होगी, दूसरा आपके काम में टाइमिंग में परिवर्तन आएगा, यानी टाइमिंग में बड़ा बदलाव है, और ऑफिस में कोई सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई निर्माण आप कराएंगे, कोई अपने लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है मार्च में, और काम में तेज़ी रहेगी। तो व्यापारियों के लिए मार्च का महीना काफ़ी इनोवेटिव है, सेल्स अप रहेगी, काम अप रहेगा, तो व्यापारियों के लिए मार्च का महीना अच्छा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।